सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बात करने का मजा तो उनके साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले आपको कुछ सोचना ना पड़े। लिखे पर कभी शिकायत ना किया करो। तुम इतने भी अकलमंद नहीं जो खुदा की इरादे समझ सको। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी तरह से निभा रहे हैं। आज का पंचांग 12 जून 2022 दिन रविवार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 12:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 5:28 से 7:09 तक रहेगा। अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर 6:33 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 12 जून 2022 दिन रविवार। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस राशि वालों के लिए आज का दिन बदलाव वाला रह सकता है। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में किसी व्यापारिक बदलाव को लेकर आज आप अहम बातचीत कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके लिए कोई भी बदलाव लाभकारी नहीं होगा, इसलिए वर्तमान में चीजें जैसे चल रही है उसी हिसाब से चलने दें। आज मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े कारोबारी अच्छा कारोबार करते देखे जाएंगे। नौकरी पेशा कुछ जातकों का आज ट्रांसफर भी किया जा सकता है। घर परिवार में धर्म वातावरण बना रहेगा। कोई धार्मिक चर्चा और यात्रा पर जाने का भी आज आप विचार कर सकते हैं। कोई नस खिंचाव आदि की समस्या भी आपको रह सकती है। आपके लिए सलाह है कि आज के दिन जोश में होश खोने की स्थिति से बचें। बिजनेस संबंधित किसी मीटिंग में आपके मुताबिक मोड़ आने की संभावना है। आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर भी मिलेगी। मन में यदि कोई बात आए तो उसे परिवार के सदस्यों के सामने अवश्य रखें, तभी आपको उसका हल मिल पाएगा। संतान को आप कोई नया व्यवसाय भी करा सकते हैं। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। ननिहाल पक्ष से आज आपको मान सम्मान भी मिलता दिख रहा है। सावधानियाँ। आज के दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहेगा। आपको किसी भी बात को अपने दिल पर लगाने से बचना होगा, नहीं तो आप लोगों से नाराज ही रहेंगे। कामकाज में आपको अपने किसी प्रिय की मदद से मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियाँ पैदा होगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। बात करते हैं करियर की। आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि दिख रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। लेकिन आपका डर निराधार है, यहाँ तक कि आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ समय बिताएं या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ एकांत समय बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मजेदार कार्यकलाप में शामिल हों। अगर काम का दबाव हो भी तो आज तो उसे भी एक तरफ रख ही दें और शांत रहने की खुशी महसूस करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप अपने ही परिवार से कितना कुछ सीख सकते हैं।
आज का उपाय। आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।